मैं डॉक्टर उदगीत धीर, डायरेक्टर एंड हेड ऑफ कार्डियक सर्जरी, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुरुग्राम। हार्ट सर्जरी में रोबोट सर्जरी का आना सबसे लेट था, क्योंकि हार्ट सर्जरी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है और हमारे पास मरीज कभी कभी लेट स्टेज में आता है। लेकिन उसके बावजूद रोबोटिक सर्जरी के आने से हम हार्ट की सर्जरी भी रोबोट की हेल्प से कर सकते हैं। इसमें रोबोट सर्जरी नहीं करता है, जो सर्जन है वो कंसोल पे बैठ के जो रोबोट की आर्म्स होती हैं उसके थ्रू अपने हाथों के द्वारा ये सर्जरी करते हैं। हम हार्ट की धमनियों की ब्लॉकेज की सर्जरी रोबोट के द्वारा कर सकते हैं। वाल्व जिनमें सिकुड़न या लीकेज आ जाए उसको बदलना या रिपेयर करना रोबोटिक सर्जरी के द्वारा कर सकते हैं। दिल में कुछ छेद होते हैं जिसे हम कॉमनली ASD कहते हैं, वो रोबोटिक सर्जरी के द्वारा करते हैं। कुछ ट्यूमर्स होते हैं जैसे LM-ixoma, तो वो भी हम आजकल रोबोटिक कार्डियक सर्जरी से करते हैं। क्या सारे मरीजों में रोबोटिक कार्डियक सर्जरी पॉसिबल है? इसका उत्तर ना है। हम पेशेंट को सिलेक्ट करके, क्योंकि हमारे लिए पेशेंट की सेफ्टी ज्यादा जरूरी है, बीमारी कितनी एक्सटेंसिव है, कौन सी अप्रोच किसके लिए बेटर है, उस हिसाब से चुन के हम रोबोटिक कार्डियक सर्जरी कर सकते हैं। इसके फायदे, हॉस्पिटल से छुट्टी जल्दी मिल जाती है, पेन कम होता है, ब्लड की रिक्वायरमेंट कम होती है और सबसे बड़ा, इंसीजन बहुत छोटा होता है और जिसमें पेशेंट जल्दी अपने नॉर्मल एक्टिविटी में आ जाता है। धन्यवाद।